हेलो गाइस, दिस इज़ वेक। आज बात करेंगे कि बिटकॉइंस, इथेरियम, रिपल्स, इस तरह की कुछ क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मैं ये बताना चाहूँगा कि ये होती क्या है। जितने भी मैंने नाम लिए, जैसे बिटकॉइंस, रिपल्स और या इथेरियम, ये करेंसी होती है। ये जो रियल करेंसी नहीं बोलते, इनको हम वर्चुअल करेंसी कहते हैं, जो हमारे रियल वर्ल्ड में नहीं होती, हमारी वर्चुअल वर्ल्ड में होती है, जो आपके इंटरनेट को कहते हैं। तो ये करेंसी क्या काम करती है? सेम वही काम करती है जो हम रियल करेंसी से कर सकते हैं। हम किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बट क्या होता है इन वर्चुअली वे में। तो इसका यूज़ क्यों हुआ, ये स्टार्ट कैसे हुई? तो यूज़ होने के, ये यूज़ इसलिए होता है, जैसे आपके कुछ करेंसी डिफरेंट कंट्री में करनी है। अब आपका PNB में अकाउंट है, आप थोड़ा US में जाके ट्रांसफ़र करोगे उसको, इससे मनी पॉसिबल है। लेकिन इससे है आपका क्रिप्टो करेंसी, आप एक क्रिप्टो करेंसी खरीद के उसको शेयर करो, वहाँ पे उसको मिल जाएगा बेटर वे में। सेकंड चीज़, इसको यूज़ क्यों हो रही है पॉपुलर, क्योंकि इसमें कोई लगाम नहीं है। आप अभी तक कोई तो हुई नहीं, अभी इंडिया गवर्नमेंट भी स्टार्ट कर रही है कि इस पर ट्रैक किया जाए, कि ये करेंसी ट्रैकेबल नहीं होती। आप एक इसमें बस एक सेंडर, एक रिसीवर को पता होता है कि हाँ ये इतना मनी इसको सेंड कर रहा है, बाकी को किसी को पता नहीं होता कि मनी कहाँ से आई और किस कैसे इसको ट्रैक कर सकें, ठीक है। और ये बिटकॉइंस सब इन सब का बाप है बोले तो। बिटकॉइंस के जो सबसे बड़ी कॉइन्स है हमारा बिटकॉइन, उसके बाद इथेरियम और आपका रिपल्स आता है, जो इनसे सस्ता होता है। लेकिन काम इन तीनों के एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ एक्सचेंज करना मनी को। इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्यों हो रहा है कि लोगों को पता नहीं होता क्या, बस ये पता है कि इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हम करोड़पति बन जाएंगे। बट मेरे हिसाब से, इन माई थिंकिंग, कि ये बेवकूफ़पन है। अगर आप लेते हो, मानता हूँ आपको, कभी आपने जुआ खेला होगा, खेला होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। मैं तो खेला नहीं, बस सुना है, मूवी बहुत सुना था, और रियल लाइफ में मैंने काफ़ी दोस्तों ने खेला हुआ है। सट्टेरी बोलते हैं ना, सट्टेबाज, तो बात करते हैं। तो वो इन्वेस्ट करते हैं कि यार ये टीम जीत जाएगी और वो पैसे कमा लेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो हारते थे और उनके जितने पैसे थे सब डूबते थे। अगले दिन मेरे से कहते भाई 10 रुपये दे दे मुझे ऑटो के लिए, ऑटो के किराए दे दे मुझे घर जाना है। तो ऐसी नौबत क्यों ला रहे हो? एक सिंपल सा रास्ता पकड़ो, शॉर्टकट कभी लाइफ में काम नहीं आता है, ठीक है। जो शेयर बाजार हो गए, जो इथेरियम हो गए, और जो ये दूसरे शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। इसको बस स्वाद लो, टेस्ट लो कि होता क्या है, बट ये नहीं है कि तुमसे घुस जाओ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि ये कॉइन्स ले, वो कॉइन्स ले ले, मैं कहा क्यों भाई, मेहनत से खाएंगे, मेहनत से जिएंगे। कहता यार इसमें बहुत इन्वेस्ट करेगा ना तो ये इतना फंड मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैंने कहा भाई अगर कोई इतनी फ्री में तो कोई पैसा देता नहीं है, आप किसी से मांगोगे ना कि इतने देते हैं, नहीं देगा। और आपको लगता है कि इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा हो गया। तो जो ये होते हैं कॉइन्स, बेसिकली ये ना ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं, इनमें ट्रैक नहीं, इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते, तो इसमें ब्लैक मनी का काफ़ी यूज़ होता है, जिसकी वजह से पॉपुलर होती है। अब इसमें इसमें पैसे घटने और बढ़ने का किसी को कोई रीज़न नहीं पता होता, कभी गिर जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। शेयर बाज़ार में क्या होता है कि आपने शेयर जो ऊपर चला गया, एकदम टॉप पे पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो उससे ऊपर नहीं जाएगा, अब वो क्या करेगा, अब वो नीचे जाएगा। क्यों? जब वो टॉप पे पहुंच जाएगा तो उसके अंदर जो लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं उनको पता है कि अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू होनी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर को बेच के निकल जाते हैं। जब वो बेचता है, जब वो दूसरे को बेच देते हैं, तो क्या होता है, उसकी मार्केट डाउन हो जाती है, धीरे धीरे करके वो ज़ीरो पर जाता है, तभी वो शेयर सस्ते हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरे लोग आके उस शेयर को खरीद देते हैं, और शेयर खरीदते हैं फिर वो ऊपर जाती है। तो ये अप डाउन चलता है, जो शेयर मार्केटिंग में हम एनालाइज़ कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइंस में क्या होता है, एल्गोरिदम होती है जिसको हम एनालाइज़ नहीं कर सकते। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ट्रस्ट नहीं करना चाहता बिटकॉइंस को और ये क्रिप्टो करेंसी को। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।